Assalamu alaikum everyone, and we are going to Dolmen Mall because it's Sunday and Sunday is a fun day. Yeah, so, and then this is my holidays. So it's Mannat's holidays, so this is our first day. We are going out together, so we'll make videos and we'll tell you wherever we go. Right, Mannat? Yeah. Okay, see you. Bye-bye. So as you know, Ramzan is coming, so we thought to go to Dolmen and do a little shopping for Ramzan because Mannat wants to buy some clothes, right, Mannat? Yeah. And clips. And she wants to buy some clips, so we are going there. And bows. And bows. So we'll do a little shopping. And okay, what do you want to say? I want to pick. What? What, Mannat? Chocolate! So traffic! चलें जी, तो हम पहुंच गए हैं डॉल्फिन मॉल और यहाँ पे कोई मिर्च चिली का कोई नेशनल बालों का फेस्टिवल भी चल रहा है, जिसकी वजह से बड़ी कोई डेकोरेशन की हुई है. And yes, we are inside. और आपको पता है, बच्चों के साथ सबसे पहले हमें जाना होता है सिंदबाद. सिंदबाद की हाज़री ना लगे तो पता ही नहीं लगता हम डॉल्फिन मॉल आए हैं, क्योंकि हम आते ही इसीलिए क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं जाना होता है और इसी राइड पे हम बार बार बैठते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई राइड तो हमें समझ नहीं आती. और उसके बाद यहाँ पर एक मज़े की चीज़ खुली नहीं हुई थी, यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर जो है ये स्टिकर के साथ ये ग्लिटर स्टिकर लगा रही थी. तो भाई जाहिर है बच्चे आए हैं, बच्चे कुछ तो न्यू हरकत करेंगे ना. तो शुरू हो गई मैडम मन्नत अपने इस न्यू बिज़नेस के साथ. तो बड़े ही आंटी जो है ना कोऑपरेट करके मन्नत की फेवरेट बटरफ्लाइज़ और उसके हिसाब के कलर्स लगा रही थी. और आपको पता है बच्चियों की तो फेवरेट कलर पिंक ही होता है, पिंक से तो बाहर आती ही नहीं है. तो मैंने तब दोबारा से पिंक, सिल्वर और ब्लू की फरमाइश कर दी और ये बना रही हूँ उसकी बटरफ्लाई. तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी वीडियो बना लेते हैं इसकी. बच्ची खुश हो जाएगी बाद में जब देखेगी कि मम्मा ने कुछ तो वीडियो बनाई मेरी. और ऐसी जो नई नई चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ी फैसिनेट करती हैं वैसे भी बच्चों को. तो मैं तो हमेशा बच्चों को एक्सप्लोर करवाती हूँ ऐसी चीज़ें. आप लोग भी लेकर आया करें, एक्सप्लोर करवाया करें. देखिए से बच्ची कितनी ज़्यादा खुश हो गई है मेरी. और आंटी को हमने बोला थैंक यू और देखिए मन्नत कितनी हैप्पी होगी माशाल्लाह. अब जी शुरू हो गया हमारा खाना पीना. तो सबसे पहले हम डेल फ्रायो गए और वहाँ पे हमने कहा कि देखिए क्या मिलता है. तो क्योंकि ब्राउनी और आइसक्रीम मेरी बेटी की फेवरेट. नो स्पेस ओवर हियर, एक्चुअली सिटिंग ओवर हियर ऑन द कॉर्नर बिकॉज इट्स संडे. संडे मींस कि बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, तो हम लोग जो है ना कहीं जगह नहीं मिल रही. इट्स ऑल फुल एंड सो क्राउडेड एवरीवेयर. खाने पीने के बाद मैंने सोचा क्यों ना विंडो शॉपिंग ही कर लें, देख लेते क्या आया है. इमेज पे बड़े ईद का कलेक्शन लगा हुआ था एकदम से. उन्होंने रमज़ान के मतलब शुरू के दिनों में ही उन्होंने बड़ी अपनी ईद की कलेक्शन लगा दी. बड़े से फीके कलर थे, लेकिन आजकल चल रहे हैं ना पेस्टल्स. आपको पता नहीं है पेस्टल कलर्स आर सो इन. और ईद पर पता नहीं लोग क्यों इतने मरे हुए कलर्स पहनते. हमें तो चीखते शौकीन तेज़ कलर पसंद है, लेकिन लोगों को पसंद है भाई मरे हुए कलर्स. तो हमने कहा कि दिखा देते हैं आप लोगों को क्या कलेक्शन आई है. फिर हम आ गए जी सफ़ायर पे. सफ़ायर पे भी बड़े अच्छे किस्म के कपड़े थे, लेकिन भाई इतने बड़े बड़े शॉप खोल लिए इन्होंने कि हम बंदा पागल ही हो जाते शॉप में घूम घूम के. ये छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े थे, तो मैंने कहा मन्नत चले आप अपने लिए देख ही लें कि आपको कुछ पसंद आता है क्या. लेकिन आपको पता है मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है, जिसको आराम से तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती. तो बस वो देखती ही रही. मैंने कहा वही बात हो कि ईद के आखिरी दिनों में जो है ना, मतलब रमज़ान के आखिरी दिनों में जाके हमने जाके कोई शॉपिंग करनी है. फिर हम आ गए इधर एथनिक पे. मैंने कहा एथनिक पे देख लेते, क्या पता हम एथनिक पे कुछ हमें पसंद आ जाए, क्योंकि आजकल बड़े एथनिक का भी इतना बड़ा डॉल्फिन मॉल में शॉप खुल गया है. तो मैंने कहा चलो वही चेक कर लेते. और बड़े मज़े की कलेक्शन थी, जो आपस की बात है, बड़े रंगीन, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही कलरफुल कपड़े आए थे अनस्टिच, लेकिन उनकी प्राइस ही 4,000 रुपये. फिर हम चले गए नीचे. हमने सोचा अब बस टाइम होगा पूरा, अब जाते हैं नीचे. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और नीचे गए तो बड़ा ही कोई फेस्टिवल चल रहा था और बड़ा ही कोई मैजिक शो भी चल रहा है. तो मैंने कहा क्यों ना मन्नत के साथ मैजिक शो भी इंजॉय कर लिए और ज़रा सा ट्रक आर्ट भी ये देख लेते हैं कि क्या हो रहा है.
रखा हुआ है और वो नहीं करके आए हैं वहाँ पे कि नीचे से हमको परफॉर्म करने का था। थैंक यू सो मच फॉर आवर मैजिशियन, आज अपनी 20 साल मेहनत आपको दिखाने आए हैं। क्लैप करें, मेरा मूड बनाए, अपना मूड बनाए, खुशगवार सा माहौल बनाए, बहुत अच्छे ट्रिक से मजा आएगा सबको। चले जी काम करते हैं। अच्छा ये मैं अपना माइक थोड़ा नीचे हो जाएगा मेरे साउंड ऑपरेटर भाई, तो इसका गेन बढ़ा लीजिएगा। आपको इतना न्यूज पेपर दिखाई दे रहा है, ये सही है, लेकिन बाद में जो कुछ आप देखें ये मत समझिएगा कि आपकी आंखें सही नहीं है खुदा ना खास्ता, क्योंकि जो कुछ आप बाद में देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव नजर होगा, जिसको इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं। तो आपसे बातें करते करते मैंने आपकी मुलाकात एक अलग न्यूज पेपर से करवाई और अब देखने का काम शुरू हुआ जाता है। ये रहा न्यूज पेपर और ये इसका एक अदर टीयर और बजाहिर इसके हो गए 4 पीसेस। बताएं मुझे, शामिल हो गया मेरे शो में, मैं आपसे बातें करता हूँ, आप भी तो मुझसे बातें करें, हो गए ना 4? ये धोखा है, हुए नहीं है, यही तो कमाल है। अब ये देखें 4 और 4 8 8 और 8 इसके 16 16 के बाद इसके 32। आप करीबों मतलब तरह बताओ, आपको ये फाड़े जाने की आवाज़ें भी आ गई, छिड़िंग 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 आ रही है ना, आपके कानों को भी धोखा हो रहा है आँखों के साथ साथ। तो बहरहाल 16 16 के बाद 32 और 32 के बाद अब इसके हो गए तकरीबन 64 पीसीज। याद रखिएगा 64 इंग्लिश में, 64 उर्दू में 64। अब इधर देखिएगा पहली ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक, डू नॉट ब्लिंक योर आईज। 1 2 यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, 3 रिस्टोर। शो तो मैजिक शो चलता रहा लेकिन मेरी बेटी थक गई थी, तो हम चले घर और बड़ी शॉपिंग की, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर भी ली थी हमने चलते फिरते, वो जाके हम आपको बातें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा।